अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो शासनपति चरण तीर्थंकर समन प्रभु महावीर के निर्वाण कल्याणक की तथा दीपोत्सव पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। कार्तिक कृष्णा अमावस्या को प्रभु महावीर का निर्वाण हुआ, ऐसा हम सभी लोग जानते हैं। जब प्रभु महावीर का निर्वाण होने वाला था, उससे काफी लंबे समय पहले से ही प्रभु ज्ञान की अविरल धारा बहा रहे थे। प्रभु की अर्थ रूप ज्ञान वाणी निरंतर कई प्रहर से प्रवाहित होती चली जा रही थी और उसी को जब कालांतर में प्रभु के निर्वाण के लगभग 980 वर्ष के पश्चात जब संकलित करके उसको एक लिपिबद्ध रूप दिया गया तो उसे उत्तराध्ययन सूत्र का नाम मिला। हमने पिछले प्रवचन में बात की थी कि क्यों यह उत्तराध्ययन सूत्र जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में, क्योंकि इसी उत्तराध्ययन सूत्र में हमें अपने जीवन के सभी मौलिक प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। यह सूत्र हमारे लिए उत्तर का अध्ययन है। तो इस उत्तराध्ययन सूत्र में कई सारे गहन अर्थ गूढ़ार्थ छिपे हुए हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर भी समेटा हुआ है यह उत्तराध्ययन सूत्र। सो आज हम इसके 10वें अध्ययन की कुछ बात करेंगे। 10वां अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र का बड़ा ही विशिष्ट महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसका नाम है दुमपत्रक। प्राकृत में कहे दुमपत्रय और संस्कृत में इसका ट्रांसलेशन होता है द्रुमपत्रक, जिसका मीनिंग होता है पेड़ का पत्ता। द्रुम कहते हैं वृक्ष को और पत्र कहते हैं पत्ते को। तो चूंकि इस 10वें अध्याय की जो प्रारंभिक गाथा है, पहली गाथा का पहला चरण का पहला जो शब्द है वह यही है दुमपत्रय, इसीलिए इस अध्ययन का नाम ही हो गया दुमपत्रक। तो यह अध्ययन जो इसमें दो स्टार्टिंग की गाथाएं हैं, वो दोनों गाथाओं में उपमा देकर के हमारे इस मनुष्य जीवन के बारे में समझाया गया है कि यह मनुष्य का जीवन कैसा है, तो उसको एक उपमा के साथ में उपमित करके दिखाया गया है। दुमपत्रय पंडुयय जहा निविडय राय गणन अच्छय एवं मणियाण जीवियम समयम गोयम मापमाय कुसग्य जह ओस बिंदुए थोवम चिट्ठय लंब माणय एवं मणियाण जीवियम समयम गोयम मापमाय। इस अध्ययन की प्रारंभिक गाथा कहती है दुमपत्रय पंडुयय जहा, यानी जिस प्रकार से पेड़ का पीला पत्ता होता है, पंडू कहते हैं पीले पत्ते को। तो पेड़ पर जब पत्ता पीला हो जाता है, सूख जाता है, उसके पश्चात वह निविडई हो जाता है, यानी नीचे गिर जाता है। हम सभी लोग जानते हैं वृक्ष पर पत्ते की जो पूरी जर्नी होती है, जब वृक्ष छोटा सा पौधा होता है, फिर उसके बाद में वृक्ष का आकार लेता है और उसके बाद में जब उस पर पत्र पुष्प इत्यादि आते हैं, तो वह पत्ता उसकी भी अपनी एक जर्नी है। तो वह वृक्ष का पीला पड़ा हुआ पत्ता नीचे गिर जाता है राई गणान अच्छे रात्रि में आकाश में तारा समूह के व्यतीत हो जाने पर, यानी जब रात में जो आसमान में तारा समूह दिखाई देता है वो जब छिपने लगता है, कहने का मतलब कि जब रात्रि बीत रही होती है उस समय पतझर का वह पीला पत्ता नीचे गिर जाता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्यों का भी जीवन है। अब ये सिमिली है, पत्र के यानी पत्ते की उपमा से हम मनुष्य के जीवन को बताया गया कि हम सबका मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। आज पेड़ से लगा हुआ है लेकिन थोड़े समय के पश्चात वह पीला पड़ जाएगा और उसके पश्चात पेड़ से नीचे गिर जाएगा। और राई गणान अच्छे का मतलब इस मनुष्य जीवन के साथ में ये हुआ कि जब रात्रि बीत जाएगी, अर्थात जब आयु कर्म समाप्त हो जाएगा, आयुष्य कर्म की डोर जब टूट जाएगी, तो हम सबका जीवन यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जो दिखाई दे रहा है मनुष्य भव का, यह समाप्त हो जाएगा। यह पूरी हमारी लाइफ की जर्नी इस एक छोटे से उदाहरण में
गुथ दी गई है, समझा दी गई है कि जब पत्ता आता है, नई नई जब कोंपले फूटती है तो कैसा वह लालिमा युक्त होता है और फिर धीरे धीरे पूर्ण यौवन पर आता है, ग्रीन कलर का होता है, एकदम ताजा हरे रंग का होता है और उसके पश्चात धीरे धीरे पत्ता समय के उपरांत पीला पड़ने लगता है, फिर सूख जाता है और उसके पश्चात गिर जाता है। तो जैसे उसका फॉल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों की भी पूरी लाइफ जर्नी है। पहले बच्चा जन्मता है, छोटा बच्चा होता है, फिर पूर्ण यौवन पर जाता है और फिर धीरे 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 प्रौढ़ावस्था के बाद में वृद्धावस्था, यानी पीला पड़ा हुआ पत्ता, और उसके पश्चात वह किसी भी समय पेड़ पर से नीचे गिर सकता है। हम सबका, मनुष्य का जीवन, ये हमारी इस लाइफ की जर्नी ऐसी ही तो है। इसीलिए कहा कि समयम गोयम मापमाय। इस 10वें अध्ययन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि इस अध्ययन की हर गाथा में जो लास्ट का चौथा चरण है वो यही है कि समयम गोयम मापमाय, अर्थात हे आत्मन, क्षण भर के लिए भी प्रमाद मत करो। क्योंकि इस पूरे अध्ययन में प्रमाद नहीं करने की ही महत्वपूर्ण सीख दी गई है। तो यहाँ पर जो समयम गोयम मापमायय है, इसका अर्थ हम सब ने जो आज तक सुना है वो ये है कि भगवान महावीर स्वामी अपने प्रथम अंतेवासी शिष्य, प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम स्वामी को एड्रेस करके कह रहे हैं कि हे गौतम, तुम समय मात्र के लिए भी प्रमाद मत करो। क्योंकि यह जीवन अभी दिख रहा है, इंसान हंस रहा है, खेल रहा है, चल रहा है, बातें कर रहा है, सब क्रियाकलाप कर रहा है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, कब वह पत्ता नीचे गिर जाएगा। तो इसी तरह का यह जीवन है, इसीलिए समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। तो हमने ये सुना है कि यह अध्ययन जो है प्रभु महावीर की देशना है गणधर गौतम स्वामी जी के लिए। तो यह अर्थ तो हम सब ने बहुत बार सुना है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन इस समयम गोयम मापमायय का एक हिडन डीप मीनिंग और है। अगर हम समयम को एड्रेस करने वाला पद समझें तो समय हमारे यहाँ पर जैन पारिभाषिक शब्दावली में आत्मा को कहा जाता है। समय का अर्थ आत्मा होता है। तो आत्मा को एड्रेस करते हुए कहा जा रहा है, यानी फिर यहाँ पर सिर्फ गणधर गौतम स्वामी जी के लिए ही नहीं होगा यह अध्ययन, ये हम सभी भव्य आत्माओं के लिए होगा कि ये आत्मन गोयम मापमायये, और गोयम कहते हैं इंद्रियों के विषयों के अंधकार में प्रमादित मत बनो। गोयम, गो कहते हैं इंद्रियों को, और यम यानी तम, अंधकार। तो इंद्रियों का, विषयों का जो अंधकार है उसके अंदर है आत्मन, तुम जरा भी प्रमाद मत करो, प्रमादित मत हो, यानी मूर्छा में मत जाओ, बेहोशी में मत जाओ, जागृत रहो। किस में जागृत रहो? कि जब जब तुम्हारे इंद्रियों के विषय तुम्हें भटकाने लगे, तुम्हें राग और द्वेष में ले जाने लगे, उस समय में तुम जागृत रहो, अप्रमत्त रहो, सजग रहो, अटेंटिव रहो, अभ्युत्थित रहो, आत्मभावों में स्थित रहो, आत्मभावों से च्युत मत हो, प्रमाद में मत जाओ। क्योंकि ये इंद्रियों के विषय ऐसे ही हैं, हमें रति और अरति की तरफ ले जाते हैं। शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श और मन के विचार, ये सब जब जब हमें भटकाने लगे, जब जब हमें बहकाने लगे, जब जब हमारा आत्मा इन सारे विषयों में बेभान होने लग जाए, यानी प्रमाद में चला जाए, उस समय में इंसान को ये सीख, ये प्रेरणा, ये टकोर याद दिलाती रहे कि हे आत्मन, इंद्रियों के विषयों के अंधकार में प्रमादित नहीं होना है। फिर इसके बाद में दूसरी गाथा भी इसी तरह की उपमा है। वो उपमा कुछ इस तरह की है कि कुसक के जह उस बिंदुए थोवम चिट्ठे लंब माणय एवं मणियाण जीवयम समयम गोयम मापमायय। कुशा के अग्र भाग पर जैसे ओस के बिंदु दिखाई देती है, कुशा कहते हैं घास के तिनके को, घास को, और अग्र भाग यानी उसका जो सबसे अगला सिरा होता है, उस घास के तिनके की नोक पर जो सर्दियों के सुबह में, सर्द सुबहों में हम देखते हैं ओस की बूंदे आ जाती है रात्रि के समय में, तो वो सुबह के समय में कितनी देर तक टिकती है, कितनी देर तक हमें दिखाई देती है ओस की बूंद उस घास के तिनके पर पड़ी हुई? बहुत थोड़ी देर तक। थोवम चिट्ठई, बहुत थोड़ी देर तक ही वो स्थिर रहती है, उसका कोई बहुत लंबा समय नहीं होता, वो बहुत लंबी देर तक के लिए नहीं होती। जैसे ही आसमान में सूर्य का ताप चढ़ेगा वैसे ही वह ओस की बिंदु इवेपोरेट हो जाएगी, वह समाप्त हो जाएगी,
ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का जीवन है। अभी दिखाई दे रहा है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारा यह जीवन रेलगाड़ी के लिए जैसे पटरियां बनी हुई होती है, जैसे ट्रैक्स बने हुए होते हैं, ऐसा हम इंसानों का जीवन नहीं है कि ये इतने टाइम तक लगातार सही समय तक कार्य करता रहेगा, चलेगा ही चलेगा। नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए उत्तराध्ययन सूत्र के ही चतुर्थ अध्ययन में असंस्कृत की बात की गई है कि यह जीवन असंस्कृत है। इसलिए आत्मन, तुम जरा भी प्रमाद में मत जाओ। और दसवें अध्ययन में तो पूरा अध्ययन ही माँ पमायै की शिक्षा दे रहा है कि मूर्छित मत हो जाओ, बेभान मत हो जाओ, क्योंकि जैसे घास के तिनके के अग्र भाग पर रही हुई ओस की बूंद ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकती है, उसी प्रकार से हम मनुष्यों का जीवन भी कोई बहुत सदा के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए हैं। हम सब लोग लेकिन सोचते यही है कि अभी तो बहुत लंबा जीना है, अभी तो जवानी है, अभी क्या ये सब चीजें करना, धर्म ध्यान की बातें तो वृद्धावस्था की है। लेकिन कौन जानता है कि वृद्धावस्था आएगी भी या नहीं आएगी? क्या पता, कई लोग बचपने में ही काल के ग्रास बन जाते हैं, कई युवावस्था में चले जाते हैं, सोचते हैं, बहुत सारी प्लानिंग उनकी पेंडिंग पड़ी रह जाती है, लेकिन देहांत हो जाता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। यही मनुष्य का जीवन है। इस मनुष्य के जीवन के इस सत्य को यहाँ पर दिखाया गया है और इसीलिए कहा कि हे आत्मन, प्रमाद मत करो, इंद्रियों के विषयों में मूर्छित मत बनो। हम सब लोग भीतर ही भीतर एक गहरी निद्रा में जी रहे हैं, उसी निद्रा को प्रमाद कहा है। ये प्रमाद शब्द बड़ा प्यारा और बड़ा अद्भुत शब्द है। जब हम आंखें खोल करके जिएंगे ना, एक पल भी अगर हम सजगता में आएंगे, अवेयर होंगे, कॉन्शियस होंगे, तब हमें दिखाई देगा कि सचमुच हम सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं, चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ हम अपने मन के विचारों की नींद में ही खोए खोए कर रहे हैं। हम सोए सोए हैं, हम मूर्छित हैं, हम बेभान हैं। इसीलिए ज्ञानी गुरुदेव वितराग वाणी हमें बार बार जगा रही है कि प्रमाद में मत जाओ। साधक को अप्रमत्त रहने की प्रबल सीख इस अध्ययन में हर गाथा के अंतिम चरण में प्राप्त होती है। फिर आगे कहा, ई इतरी अम्मी आउए जीवी ये बहु बच्चवाये विहुना ही रयम पुरे कदम समयम रोयम मापमाये। आगे बता दिया कि यह जो जीवन है, यह आपका बहुत थोड़ा सा आयुष्य आप लेकर आए हो। आप सोचिए ना, अनंत काल, असंख्य काल के बीच में ये जरा सी 60, 70, 80, 100 वर्ष कितना कहर होता है, कितना छोटा सा काल है ये 50-60 साल का। आजकल तो एवरेज जीवन का इतना ही रह गया है कि इंसान 50-60 साल लगभग जी ले, कोई कोई 70-80 जी लेता है। लेकिन ये जो इत्तरियम्मी आवे है, यानी ये इत्वरिक थोड़ा सा आयुष्य हम लेकर आए हैं, और उसमें भी उस मनुष्य लोक का जो थोड़ा सा जीवन है, जीवी है बहुपच्चवाय है, उसमें भी बहुत सारे आघात है, यानी बहुत सारी विपदाएं हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारे विघ्न हैं, है ना। आप सब लोग कहते भी हैं कि इस छोटी सी लाइफ में भी हमें कितना सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। कई लोगों ने तो जीवन की परिभाषा ही कर दी, लाइफ इज स्ट्रगल, यानी संघर्षमय जीवन है। बचपन से जो संघर्ष शुरू होता है, जीवन के अंतिम सांस तक स्ट्रगल ही स्ट्रगल चलता रहता है। तो यही तो है, बहुत विघ्नों वाला ये छोटा सा आयुष्य हम लेकर आए हैं, ये जीवन जो छोटा सा है पहले ही, और फिर उसमें ऊपर से बहुत सारे विघ्न हैं। तो ऐसे इस जीवन में हम किस लिए आए हैं, हमें क्या करना है, तो उसको बताया कि विहुणा ही रयम पूरे कदम। हमने सुना था कि उत्तराध्ययन सूत्र हमारे जीवन के मौलिक प्रश्न का उत्तर देता है। अब यहाँ पर हम देखें, ये जो विहुणा ही रयम पूरे कदम है ना, ये भी हमारे जीवन का एक बहुत जो बेसिक प्रश्न है उसका समाधान दे रहा है। कई साधकों के भीतर ये जिज्ञासा जन्म लेती है कि मैं इस जीवन में क्यों हूँ, मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, क्यों ये जीवन में आकर के करना क्या है। कहते हैं ना, लाइफ का पर्पस क्या है वो फाइंड आउट कर लो। वो यहाँ पर बता दिया गया है कि इस जीवन में जो तुम आए हो, बहुत विघ्नों वाला जीवन है निश्चित बात है, लेकिन उसके अंदर तुम्हें करना क्या है कि तुम जो अपने पूर्व के संचित कर्म लेकर आए हो ना, उसकी जो रज मैल तुम्हारे आत्मा पर चिपकी हुई है, उसको तुम्हें धो डालना है। विधुनन विहुणा ही रयम रज मैल पूरे कदम, जो पूर्व में किए हुए तुम्हारे कर्म के संस्कार है, कर्मों का जो मैल है, जो रज है, रज यानी धूल मिट्टी डस्ट, जो गंदगी है, जो हमारी आत्मा पर हमने कर्मों का लेप चढ़ा रखा है, उसको धोने के लिए ही हम इस जीवन में आए हैं।
यानी हम कहें कि इस जीवन में हमें जो यह जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन, उसका पर्पस ये है कि हम अपने अतीत के कर्म संस्कारों को यहाँ पर आकर के इनसे छुटकारा पा लें, यानी उनको निर्जरा कर दें, उनको निर्जरित हो जाने दें, यानी उन कर्म के संस्कारों को समाप्त कर दें, यानी यह जीवन हमें कर्म संस्कारों से छुटकारा पा करके जीवन से मुक्त होने के लिए है। हर आत्मा का अल्टीमेट गोल मुक्ति को उपलब्ध होना ही है, क्योंकि आत्मा जब तक इस संसार के अंदर है तब तक वो अपनी स्वभाव दशा में नहीं है, ओरिजिनलिटी में नहीं है, वो विभाव में है, और इस विभाव दशा से मुक्त हो जाना है, कर्म मैल से अपने आप को दूर कर लेना है, यही इस आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। तो इस जीवन में हमें यही करना है कि जो भी हम अपने पास्ट से कैरी करके ला रहे हैं, और इस जीवन में भी हम नए नए कर्मों का बंधन कर रहे हैं। जीवन तो मिला इसीलिए कि हम अभी वर्तमान में नए कर्मों का बंधन ना करें, नई धूल मिट्टी ना चढ़ाएं। लेकिन होता यही है ना कि दिवाली की सफाइयां तो खूब कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो शुद्धि हमेशा के लिए तो टिकती नहीं, फिर से डस्ट आ जाती है, फिर से धूल मिट्टी जम जाती है। इसीलिए इस समय में हम बाहर की सफाई का पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन हम समझे वितराग प्रभु की वाणी हमें किस बात के लिए कह रही है कि अंतर की जो रज महल है कर्म की, उसको धो डालना है, उसको निर्जरित कर डालो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ऐसा नहीं होने देते। हम जब वर्तमान में विकर्म भोग में आते हैं, हमारे ऊपर उदय में आते हैं, आते जाने के लिए ही है, लेकिन हर उस कर्म का भोग करते समय हम फिर से पुनः नए नए कर्मों का बंधन कर लेते हैं, फिर से हम अपने ऊपर धूल मिट्टी चढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ में बंध जाते हैं, हम उसमें मूर्छित रहते हैं, प्रमादित होते हैं, और इसी वजह से हमारा फिर से नया कर्म बंधन हो जाता है। तो इसीलिए यह सीख दे रहे हैं कि इस जन्म में आकर के पुराने रज मैल को धोना है और वर्तमान में प्रमादित नहीं होना है। समयम गोयम मा पमायै। फिर आगे बताया कि दुर्लभे खलु मानुषे भवे, क्योंकि ये जो मनुष्य भव है सचमुच ये बहुत दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है मिलना। हम लोगों को तो पता नहीं चलता, हमें लगता है हम मनुष्य बन गए ना, हमें चूंकि अपने सोल की जर्नी का जो पास्ट में इतने लंबे समय तक हम करके आए हैं उसका हमें होश नहीं है, इस जीवन में हमें उसकी स्मृति नहीं है, इसलिए हमें ये मनुष्य भव बड़ी आसानी से प्राप्त हुआ लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं, ये मनुष्य भव बहुत दुर्लभ है। दुर्लभे खलु मानुषे भवे चिरकालीन अभी सर्व प्राणिनम, यानी सभी प्राणियों को ये बहुत लंबी यात्रा तय करने के बाद में जाकर के मिलता है। यानी इस मनुष्य तक पहुंचने के लिए एक जीव को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। हम समझे हैं जैसे कहीं किसी भवन तक पहुंचने के लिए 100 सीढ़ियां हो, वहां पर पहुंचकर जाना हो तो 100 सीढ़ियां 100 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हो, तो समझो इस मनुष्य भव, ये जो हम आ गए हैं ना इस मनुष्य भव में, ये वही 100वीं सीढ़ी है। हम यहाँ तक पहुंचे हैं पूरा पीछे 99 की यात्रा करके, 99 स्टेप्स को चढ़ करके, वहां से पार करके हम इस मनुष्य भव में आए हैं। दुर्लभे खलु मानुषे भवे चिरकालीन विसर्व पाणिनम, यानी बहुत लंबे समय के बाद में ये मनुष्य का भव हमें मिलता है। चिरकालीन विसर्व पाणिनम गाढ़ाय विभाग कम्बुणो, और उस मनुष्य भव में भी हमारे जो कर्मों का विपाक है, यानी जो कर्म का फल हमें भोगना है, वो परिणाम जो मिलेगा वो बहुत गाढ़ है, बहुत गहरा अनुबंध हम लेकर के आए हैं, कर्म बड़े प्रगाढ़ है, इसीलिए समय मात्र के लिए भी प्रमाद नहीं करना है, समय मात्र के लिए भी बेहोशी में बेभानी में जाना योग्य नहीं है। अब ये लंबा जो सफर हमने तय किया है उसको भी आगे की गाथाओं में बड़ा विस्तार के साथ में बताया है कि इस मनुष्य जन्म तक आने के लिए जीव को कितने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या क्या यात्राएं करनी पड़ती है, कहां कहां से आगे बढ़ बढ़ करके वो इस मनुष्य भव तक पहुंचा है। तो उसके लिए गाथाएं बताती है जिनका भावार्थ इस प्रकार से है कि इस दुनिया के अंदर जो जीव की शुरुआत होती है वो कही जाती है निगोद से, और निगोद वनस्पति काय का ही भेद है। तो वनस्पति काय के अंदर जो जीव चला जाता है, निगोद के अंदर रहता है, तो वहां पर उत्कृष्ट काल तक एक जीव अनंत काल तक रह सकता है, यानी अनंत काल से जीव निगोद और वनस्पति काय की अवस्था में रह सकता है। और फिर वहां से और ऊपर उठता है तो पृथ्वी काय, अप काय, केव काय, वायु काय, इन चार जो काय के जीव है उसका भी उत्कृष्ट समय असंख्यात काल का बताया, यानी ये सब पड़ाव हमने पार किए हैं, हम पृथ्वी के जीव बने, जल के जीव बने, अग्नि के जीव बने, हवा के जीव बने, और वहां वहां पर उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम टाइम एक व्यक्ति एक जीव असंख्य काल तक रह सकता है।
असंख्य काल उन उन अवस्थाओं में, उस योनियों में इंसान बिता करके फिर आगे बढ़ा है, और फिर जब स्थावर से आगे बढ़ा, एक इंद्रिय से आगे कुछ यात्रा बढ़ी, विकसित हुआ, तो वो बे इंद्रिय वाला बना, फिर तीन इंद्रिय वाला बना, फिर चार इंद्रिय वाला बना। लेकिन बे इंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेन्द्रिय, ये इंद्रिया भी विकल है, अभी अधूरी है, परिपूर्ण इंद्रिया नहीं है, सारी इंद्रिया नहीं मिली, क्योंकि पांच इंद्रिया जब मिलती है तब जाकर के सकल इंद्रिया होती है। लेकिन जब तक आधी अधूरी इंद्रिया है, पांचों स्थावर में तो एक ही इंद्रिया है, सिर्फ शरीर है, शरीर से ही वे सब कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में जिह्वा भी आ गई बेन्द्रिय के पास में, फिर घ्राण इंद्रिय भी आ गई, और फिर चक्षु इंद्रिय भी आ गई। तो बेन्द्रिय, तेन्द्रिय और चौरेन्द्रिय, इन तीनों को विकल इंद्रिय कहा जाता है। तीनों को इकट्ठा एक शब्द में कहें तो विकल इंद्रिय। इन विकल इंद्रिय की अवस्थाओं में जो जीव हमारा गया, तो उसमें उत्कृष्ट संख्यात वर्ष तक वह रह सकता है, संख्यात काल तक उसने उन योनियों में भी भ्रमण किया है। और उसके पश्चात जब जीव और आगे बढ़ता है, विकसित होता है, तो वह संगी पंचेन्द्रिय बनता है। तो संगी यानी मन सहित पांचों इंद्रियों वाला, और छठा जो मन कहा जाता है, वह भी मिला, संगी पंचेंद्रिय बना। तो ऐसा कोई जीव जो संगी पंचेंद्रिय बन जाता है, तो वह तिर्यंच भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है। लेकिन संगी पंचेंद्रिय की अवस्था में मैक्सिमम एक जीव सात या आठ भाव ही लगातार कर सकता है। उस समय तक अगर वो चेत जाए, अगर वो सजग रह जाए, सावधान होकर के आगे की दिशा में अपने कदम बढ़ा ले, तो ठीक है, अन्यथा उसे वापस बैक टू पवेलियन होना पड़ता है। और फिर कहा कि फिर कोई देवलोक में गया, कोई नरक लोक में गया, हमारा ही यह जीव देवता भी बना है, कभी नारकी भी बना है, वहां पर उत्कृष्ट एक एक भाव ही कर सकता है, यानी एक भाव देवता का, उसके पश्चात पुनः तिर्यंच मनुष्य में आना पड़ेगा। तो इतने सारे ये भाव भ्रमण करने के पश्चात 15वीं गाथा कहती है, एवं भव संसारे संसरई सुहा सुहे हिम गम्य हिम जीवो पमाय बहुलो समयम गोयम मा पमाय। इस प्रकार से ये भव संसरण हमने किया है, इस प्रकार से इस भव चक्र के अंदर हमारी आत्मा संसरण कर रही है। संसरण शब्द बड़ा प्यारा है। संसरण का मतलब होता है जैसे एक पहिया होता है, एक चक्का हम कहें, गाड़ी का कोई भी व्हील ले लें, तो वो किस प्रकार से गोल 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 घूमता चला जाता है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा इस संसार के अंदर संसरण कर रही है, यानी लगातार इस प्रकार से आगे गति कर रही है। तो यह संसार, इसी से बना संसार, और चक्र की उपमा दी है, संसार चक्र, हम सबने सुना होगा ना। तो यही हमारा भव संसार है, जिसमें जीवात्मा शुभ और अशुभ कर्मों के कारण से संसरित कर रही है, यानी भ्रमण कर रही है, भटक रही है। तो यह किस लिए है? अपने शुभ और अशुभ कर्मों के कारण से। निरंतर प्रमाद के अंदर ही जीव रहता है, इसीलिए संसार उसका निरंतर बढ़ता चला जाता है, कभी ये संसार का चक्र रुकने का नाम नहीं लेता। जीवो पमाय बहुलो, कितना बड़ा सत्य है हम सबके जीवन का, कि हम सब जीव प्रमाद बहुल है, यानी हम सबको प्रमाद में रहना बहुत अच्छा लगता है, सब जीव प्रमादी है ना। इस प्रमाद को आलस्य के साथ भी जोड़ा जाता है, एक आलस्य का पार्ट भी प्रमाद में ही गिना जाएगा, कि हम सब लोग कितने आलसी हैं। हम सभी जानते हैं अपनी वास्तविक स्थिति को, कि हमें आलस्य करना बहुत प्रिय लगता है, इसीलिए कहा जीवो पमाय बहुलो। और सिर्फ आलस्य ही नहीं, प्रमाद बहुत गहरा शब्द है, तो जीव प्रमाद बहुल है, हर समय उसे प्रमाद में ही जीना पसंद आता है, सपने में ही जीता चला जाता है। हम सब लोग सपने में ही अपने पूरे क्रियाकलाप कर रहे हैं, जब भी कोई चेतना जागृत होती है, तब तो उसे दिखाई देता है कि ये सब जीव कितने सुप्त हैं, प्रमादी हैं, सोए हुए हैं, नींद में ही सब कुछ कार्यकलाप कर रहे हैं। कबीर दास ने तो कह भी दिया कि मुर्दे ही सो रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, विवाह रचा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, सब कुछ कौन कर रहे हैं? मुर्दे। क्योंकि ये सब लोग सोए हुए हैं, इन्हें अपनी आत्मा का कोई भान ही नहीं है, सजगता ही नहीं है कि वे कर क्या रहे हैं, जरा भी वे जागृत होकर के नहीं जीते हैं। तो ये हमारी अवस्था है, जीवो पमाय बहुलो, लेकिन समयम गोयम मा पमाय, प्रमाद मत करो। इस बात को हमें हमेशा अपने भीतर संज्ञा में जीवंत रखना है, जागृत रखना है। और फिर उसके बाद में बताया कि मनुष्य भव में आने के पश्चात भी, यानी कोई कोई जीव मनुष्य तो बन गए, इतनी लंबी वो यात्रा तय करके मनुष्य भव तक तो पहुंच गए, लेकिन लद्दून भी मानुसत्तनम आर्यतम पुनरावि दुर्लभम, मनुष्यता प्राप्त होने के पश्चात भी आर्यत्व मिलना और भी ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि बहवे दसुया मिलक हुया समयम गोयम मा पमाये, आर्यत्व मिलना, क्योंकि मनुष्य तो कई ऐसे भी होते हैं जो बड़े जंगली टाइप के होते हैं,
जहाँ पर कोई सभ्यता का विकास नहीं हुआ होता है। इसीलिए कहा कि आर्यत्व पना मिलना और दुर्लभ है, और आर्यत्व पना का मतलब होता है जहाँ संस्कृति सभ्यता विकसित हो रही हो, जहाँ पर ज्ञान और विज्ञान की व्यवस्था हो, जहाँ पर शिक्षा हो, जहाँ पर सभ्यता हो, जहाँ पर इंसान सिविलाइज्ड हो जाए, उसे कहते हैं आर्यत्व पना। तो आर्यत्व पना मिलना और भी ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि कई मनुष्य ऐसे हैं जो जंगली पशुओं की तरह ही अपना जीवन जी रहे हैं। वो दस्यु या मृच्छ की तरह जी रहे हैं। कहा कि बहवे दस्यु या मृच्छ हुआ। हम देखें कई ऐसे जीव भी होते हैं, ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो सिर्फ अपनी प्राकृतिक भूख को ही समझते हैं, शरीर की आवश्यकताओं के लिए ही अपना जीवन जीते हैं, और उसके लिए चाहे उन्हें जो भी करना पड़े वो करते हैं। इससे ज्यादा वहां पर कुछ सोच, कुछ समझ, कुछ सभ्यता, कुछ समाज, कुछ संस्कार, ये सब विकसित नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए कहा कि आर्यत्व पना मिलना बड़ा मुश्किल है। मनुष्यता मिलने के बाद में भी आर्य हो पाए हम, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और फिर उसके आगे का स्टेप बताया कि लद्धूणवि आर्यत्तम आर्यत्तनम अहीन पंचेन देयाहु दुल्लहा, यानी आर्यत्व पना तो मिल जाए, यानी कोई अच्छे सभ्यता संस्कारित सोच वाले परिवार के अंदर भी जन्म ले ले, कोई अच्छा सिविलाइज्ड भी हो जाए, जहां पर उसको सोचने समझने के लिए अवसर भी मिल जाए, लेकिन उसके बाद में भी कई कई लोगों की ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी उनकी क्या कहें कि कमी हो जाती है उनके जीवन में, कि उनको पांचों इंद्रियां परिपूर्ण नहीं मिलती है। हम देखते हैं ना, किसी का ब्रेन तो बहुत अच्छा चलता है, इतना बुद्धिमान है वो व्यक्ति, लेकिन पैरों से अपंग है, जैसे हम स्टीव जॉब्स को देखते हैं। तो ऐसे कई जीव हैं कि जो आर्यत्व पना मिल जाता है, सोचने समझने की, ज्ञान विज्ञान को विकसित करने की क्षमता उनके पास मिल जाती है, लेकिन फिर भी पांचों इंद्रियां परिपूर्ण नहीं होती। अहीन यानी कोई भी अंग हीनता को प्राप्त ना हो, ऐसा भी बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि हम देखते ही हैं इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे मनुष्य भी हैं जो कोई अंधे हैं, कोई लूले हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई बहरे हैं, पांचों इंद्रियां ठीक से उनकी काम नहीं कर रही, शरीर से लाचार हो जाते हैं। तो ये फिर से मिलना दुर्लभ है, लेकिन हमने ये भी पा लिया, हमने आर्यत्व मनुष्य भाव पाया, आर्यपना पा लिया, उसके बाद में परिपूर्ण पांचों इंद्रियां भी मिल गई। उसके बाद में भी बताया कि अहीन पंचेन्द्रियतम पी से लहे उत्तम धम्म सुई हु दुल्लहा, यानी जिस किसी व्यक्ति को अहीन पांचों इंद्रियां तो मिल गई, लेकिन उसके बाद में भी उत्तम धर्म की श्रुति मिलना ये बहुत दुर्लभ है। क्यों? कुतिथि निसे वये जने समयम गोयम मापमाये, अहीन पंचन दिया तंपी से लहे, यानी पांचों इंद्रियां मिलने के बाद में उत्तम धर्म को सुनना ये बहुत दुर्लभ बताया है। अब इंसान सब कुछ ठीक ठाक, उसका शरीर काम कर रहा है, उसकी बुद्धि भी है, उसका विकसित मन भी है, वो सब कुछ सोच समझ रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो धर्म की वाणी को सुन सके, ऐसा हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता। हम सब लोग इस दृष्टि से देखें तो बड़े ही सौभाग्यशाली है। हमें अपने आप के इस भाग्य की सराहना करनी चाहिए, अपने आप को धन्य भागी महसूस करना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, आभारी होना चाहिए परमात्मा के प्रति, अपने गुरुदेवों के प्रति, कि हमें परमात्मा की यह वितराग वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हर किसी को यह उत्तम धर्म सुनना नहीं मिलता है। लोग नहीं समझते हैं धर्म क्या है, वो भटक रहे हैं, धर्म के नाम पर भी वो कई लोगों के द्वारा मिसगाइड किए जा रहे हैं। कुतिथि निसे वये जने, यानी बहुत सारे कुतिर्थी लोग हैं, वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं, वो उन्हीं का आश्रय ले रहे हैं। वो ये बताते हैं कई लोग कि इस तरह से बलि चढ़ाओ तो तुम्हारे सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, कोई कहते हैं जल के अंदर डुबकी मारो तो तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा, तो तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। तो ऐसे कई सारे मत मतांतर प्रचलित है और लोग उन्हीं में उलझ जाते हैं, भटक जाते हैं। तो इसलिए उत्तम धर्म की श्रुति होना, सुनने को मिलना, सही समझ हमें वो धर्म दे, ऐसा उत्तम धर्म बहुत कम लोगों को, रेयर लोग हैं, हम उन्हीं रेयर लोगों में से हैं, तो ऐसा होना बहुत दुर्लभ होता है। इसीलिए यहां तक पहुंच गए हो, अब तो प्रमाद में मत जाओ। और फिर इसके आगे का स्टेप भी बताया कि उत्तम धर्म की श्रुति भी मिल जाए, उसके बाद में भी कई जीव ऐसे होते हैं जो धर्म की वाणी को सुनने के पश्चात भी उस पर श्रद्धा नहीं कर पाते। श्रद्धा होनी उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। यानी धर्म सुनने को तो कई लोगों को मिल रहा है, जैसे आप हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उन्हें यह वितराग वाणी सुनने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद वो उस धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं रख पाते हैं, क्योंकि श्रद्धा बड़ी ही आंतरिक चीज है। सिर्फ श्रद्धा
श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि हमने मान लिया कि भगवान की वाणी सच है, ये सब कुछ सही है जो भगवान ने कहा वो सब, सिर्फ इतना ही श्रद्धा का मीनिंग नहीं है। श्रद्धा का मतलब होता है जब हमारे भीतर से उसका अनुभूति होने लगती है, तब हमारे अंदर वो अनुभव का जागरण, कुछ कुछ झलकियां मिलने लगती है और तब हमें सच्ची आस्था उस धर्म के प्रति पैदा होती है। तो कहा कि धर्म को सुनना मिलने के पश्चात भी कोई जीव उस धर्म के प्रति श्रद्धावान हो जाए, ये और भी कम लोगों में होता है। और फिर उसके आगे भी बताया, क्योंकि क्यों नहीं श्रद्धा हो पाती, क्योंकि जीव मिथ्यात्व में चला जाता है। और हमारा मिथ्यात्व क्या है कि हम निरंतर सम्मोहन में जी रहे हैं, हम निरंतर एक प्रोजेक्शन में जी रहे हैं। हमने बहुत सारी लोगों को बहुत बहुत कुछ प्रोजेक्ट कर रखा है, ये पूरी दुनिया एक कहे कि हमारा प्रोजेक्शन ही है, बस यही मिथ्यात्व है। हम सम्मोहन में ही तो है, हम सजग हैं ही नहीं। इसीलिए कहा कि श्रद्धा इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हम सम्मोहन में हैं। कोई तो अपना नाम बनाने के सम्मोहन में है, मुझे ये पहुंचना है, मुझे यहां तक बनना है, बस मैं ये बन रहा हूं। कोई सुंदर दिखने के सम्मोहन में है, किसी को प्रतिष्ठा पाने का, प्रतिष्ठित होने का सम्मोहन है, किसी को पदवी का सम्मोहन है, किसी को पैसे का सम्मोहन है। तो हम सब लोग इस तरह की भ्रमणाओं में, इस तरह की मिथ्या कल्पनाओं में, इस तरह के सम्मोहन में, आकर्षण विकर्षण में ही अपना पूरा जीवन खो देते हैं, बिता देते हैं। इसीलिए कहा मिच्छत्त निसेवय जने, ये मिथ्यात्व बड़ा प्रबल हावी हो रहता है हम सब जीवों के ऊपर। इसीलिए धर्म को सुनते हुए भी वो सच्ची श्रद्धा उस पर नहीं आ पाती। और फिर आगे नेक्स्ट स्टेप बताया कि श्रद्धा भी हो जाए कदाचित जीवों को धर्म के प्रति, लेकिन उसके बाद में भी दुल्लहया कायण फासया, यह काम गुणे हि मुच्छिया समयम गोयम मा पमाये। यानी श्रद्धा होने के बाद में भी नेक्स्ट स्टेप होता है कि उस धर्म का अपने आप के भीतर से स्पर्श हो पाना, स्पर्श हो पाना। हम देखें कितना प्यारा शब्द है, फास हो पाना यानी स्पर्शित हो पाना, यानी हमारा आत्मा उसको साक्षात्कार कर पाए, आत्म जागरण घटित हो पाए। इसको आज की भाषा में हम कहें सेल्फ रियलाइजेशन हो पाना, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल है। मनुष्यता मिल गई, सब धर्म को भी सुन लिया, श्रद्धा भी हो गई, लेकिन स्वयं का इतना पुरुषार्थ नहीं जगा कि हम सेल्फ रियलाइज्ड हो पाए, यानी वो धर्म हमारी आत्मा के साथ स्पर्शित हो पाए, हम सदा धर्ममय जी पाए। क्यों नहीं हो पाता, इसका क्या प्रॉब्लम, हर्डल क्या बनती है? यह काम गुणे हैं मुच्छिया, क्योंकि हम यहाँ पर काम गुणों में मूर्छित हो जाते हैं। और काम गुण क्या है? शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श और विचार, इनमें हम रति अरति में बहते चले जाते हैं। कुछ चीजें हमें अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, अच्छी लगती है, तो हम उसमें प्रवाहित हो जाते हैं। और कुछ चीजें हमें बुरी लगती है, हम उससे दूरी बनाना चाहते हैं, ऐसे शब्द मुझे नहीं सुनने को चाहिए, बुरे लगते हैं, घृणा, नफरत, और ऐसे दृश्य मुझे नहीं देखने। तो ऐसे शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, कुछ आकर्षण और कुछ विकर्षण, रति अरति, बस यही है काम गुणों की मूर्छा। इसी में मूर्छित हैं, इसी में पड़े हैं, यही प्रमाद है, इसीलिए जाग नहीं पाते। लेकिन जागो, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, समयम गोयम मा पमाये। तो इस तरह से ये इतने सारे स्टेप्स बताए कि ये सारे स्टेप्स हो पाए तब जाकर के जीव सजग रह पाएगा, प्रमाद में मत जाओ। और फिर आगे बताया कि इस मनुष्य भव की भी क्या अवस्था है, जो देह हमने पा तो ली, इस शरीर का क्या हाल होता है, उसको बड़े ही प्यारे शब्दों में आगे बताया। 6 गाथाएं एक साथ चलती हैं। परिजूरई ते शरीरयम् केसा पंडुरया हवंति ते से सोय बले यहायै समयम् गोयम् मापमायै। चलो, तुम प्रमाद में चले जाते हो, काम गुणों में मूर्छित हो जाते हो, लेकिन तुम्हारी अवस्था तो देखो, यह शरीर तुम्हारा निरंतर परिजीर्ण हो रहा है। परिजूरई, जीर्ण शीर्ण हो रहा। हम कहते हैं ना, कोई वस्तु जो खराब होने लग जाती है, परिजीर्ण होती है, इसको हम कहें डीके होने लगती है। ये शरीर का यही धर्म है, ये पुद्गल है, ये सड़ने गलने लगता है। शरीर हमेशा एक जैसा कहाँ रहता है? तुम सोचो कि अभी भी हम वैसे ही भोग भोग लें, भोगों का आनंद लूट लें, काम भोगों में मूर्छित रह पाए, लेकिन शरीर कहाँ तक साथ देगा? शरीर धीरे धीरे अशक्ति की ओर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, वैसे वैसे अशक्ति भी बढ़ती चली जाती है, यानी शरीर जीर्णता को प्राप्त होता है। और कैसा पंडुरया हवंती दे, जो तुम्हारे बाल
बाल है ये भी सफेद पड़ने लग जाते हैं। और ये जो श्रोत बल है, पांचों इंद्रियों के बल के बारे में बताया, सबसे पहले कानों का, सुनने की ताकत ये कम पड़ जाती है, होता है ना, अब सुनाई नहीं देता जी, ऊंचा बोलो तो सुनाई देगा, अब कान की शक्ति क्षीण हो गई, अब आंखों से बराबर दिखता नहीं है, तो चक्षु बल या हाय, फिर नाक से सुनने की शक्ति कम हो जाती है, जिह्वा से टेस्ट बड्स अब काम नहीं देती है, स्पर्श इंद्रिय का बल खत्म होने लगता है, निरंतर घटने लगता है, और फिर सभी प्रकार का बल इंसान का धीरे 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 घटने लगता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे सारा बल घटता है। आयु भी बढ़ती हुई प्रतीत होती है, हमें लगता है कि हमारी उम्र बढ़ रही है, लेकिन वो बढ़ती नहीं है, दरअसल वो घट रही होती है, वो हीयमान है, हायर, वो हीनता को प्राप्त होती जा रही है। इसीलिए हे गौतम, क्षण मात्र के लिए भी प्रमाद मत करो। हे आत्मन, इंद्रियों के विषय भोग में, उस अंधकार में बेभान होकर के मत पड़े रहो, प्रमाद में मत जाओ, आत्मा में जागृति लाओ, सजगता लाओ, अवेयर हो जाओ, कॉन्शियस हो जाओ। तो यह सब ज्ञान हमें इस उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन में मिल रहा है। और फिर इसके आगे बताया कि अरे गंडम विसूया आयंका विविहा फुसंति ते विहडे विद्धन सहिते शरीरयम समयम गोयम मापमाये, यानी आगे बताया कि और देखो इस शरीर की स्थिति, इसको निरंतर कई सारे रोग इस पर आक्रमण करते रहते हैं, कई सारे आतंक स्पर्शित करते रहते हैं, आयंका विविहा फुसंति ते, कई प्रकार के आतंक आते हैं ना, हम देखते ही हैं कि कभी हमारे भीतर वात जन्य रोग बढ़ जाते हैं, कभी पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है, कभी और कोई दूसरे तरह के विकार हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। और जो आतंक है उसको हम आज की भाषा में कहें कि कभी कभी इंसान को अचानक बैठे बैठे ही साइलेंट अटैक आ जाए, हार्ट अटैक हो जाए, प्राण बखेर उड़ जाएंगे, या कभी डायबिटीज जैसे राज रोग हो जाते हैं, कभी बीपी का रोग हो जाता है, कभी ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, कभी पैरालिसिस अटैक आ जाता है। तो कितने तरह के रोग हैं, कितने सारे ये आतंक है जो निरंतर हम पर अटैक कर रहे हैं, हमारे को स्पर्शित कर रहे हैं। आयन का विविहा फुसंति ते विहडे विध्वन सहिते शरीरयम, ये शरीर निरंतर रोगों की चपेट में आकर के विध्वंस को प्राप्त हो रहा है, यानी डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रक्शन की तरफ ही जा रहा है। तो इसीलिए समय मात्र का भी प्रमाद करना उपयुक्त नहीं है, योग्य नहीं है। हे साधक, तुम जागृत हो जाओ, आत्म भावों में सजगता के साथ में जीने लग जाओ। और फिर आगे बताया, बड़ी ही प्यारी गाथा है इस अध्ययन का, जो सार कहें, एसेंस कहें, जो सबसे बड़ी सीख इस अध्ययन की निकल करके आती है, वो है इस नेक्स्ट गाथा में, 28वें नंबर की गाथा है, जो कहती है, वो छिंद सिने हम अपनो कुमुयम सारे अंग पाणिनम से सव सिने बच्ची समयम गोयम मापमाये। यहाँ पर सूत्रकार भगवंत हमें कहते हैं कि अब क्या करो, कैसे जीव प्रमाद में ना जाए। जब साधक की भूमिका में एक व्यक्ति होता है तो उसके भीतर प्रश्न जगता है कि मैं बार बार प्रमाद में चला जाता हूँ, बार बार ये बेहोशी भीतर की मेरे ऊपर छा जाती है, मैं मदमस्त हो जाता हूँ। प्रमाद शब्द मद से बना है, वही जिससे मदिरा बनी है, और मत उन्मत्त हो जाना यानी अपना भान भूल बैठना, जैसे बाहर से इंसान शराब पीकर के नशे में मदमस्त हो जाता है, ऐसे ही भीतर में विचारों की नींद में हमने, विचारों में हम जो है वो नींद है और वो ही शराब हमने पी रखी है। तो हम अपनी कल्पनाओं में, अपने ही सम्मोहनों में ही जी रहे हैं, तो कैसे ना जिए, कैसे ये प्रमाद से हम ऊपर उठें, इसके लिए ये सूत्र बताता है कि अपने स्नेह का छेदन कर दो। वो छिंद स्नेह हम अपनो, जो तुम्हारे भीतर ये स्नेह है ना, स्नेह कहते हैं प्रेम को, कहते हैं ना स्नेह पाश, ये प्रेम का जो पाश है ये सबको प्रमादित कर देता है, प्रमाद में ले जाता है, ये हमको बेभान कर देता है। और ये तो सबको ही बड़ा प्यारा लगता है, स्नेह किसे बुरा लगेगा, स्नेह तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये यही स्नेह है जो हमें, हमारी आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाला है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपने स्नेह का त्याग कर दो, अप्रमत्त बने रहना है तो स्नेह से मुक्त होना पड़ेगा, स्नेह का छेदन कर दो। और कैसे जियो इस संसार के अंदर, जैसे शरद ऋतु के अंदर जो चंद्रमा की चांदनी में जो कुमुदनी खिलती है, वो जल में होते हुए भी जल से अछूती रहती है, जल से निर्लिप्त रहती है, ऐसे ही संसार में भले रहो लेकिन संसार तुम्हारे भीतर ना रहे, संसार से तुम अछूते रहो। संसार के साथ तुम्हारा संबंध किसके माध्यम से जुड़ता है, स्नेह के माध्यम से, क्योंकि ये स्नेह जो है ना, यही वह चिकनाई है जो हमारी आत्मा पर कर्मों का लेप चढ़ा लेती है, जो हमें प्रमाद में ले जाती है। स्नेह का दूसरा मीनिंग चिकनाई भी होता है, जैसे हम दिया जलाते हैं तो वह दिया हो,
पाती हो, मैचेस से हम उसके तेली भी जला दे, लेकिन जब तक उसमें स्नेह नहीं होगा, तेल नहीं पड़ा होगा या कोई भी चिकनाई वाला पदार्थ नहीं होगा, तब तक दिया नहीं जल सकता। तो उसी प्रकार से ये जो चिकनाई है, जो स्नेह है, वो आपको प्रमाद में ले जा रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रतीक क्या दिया, कैसा रहने की सीख दी, शरद ऋतु के कुमुदिनी की भांति हो जाओ, निर्लिप्त हो जाओ, अछूते हो जाओ, तब तुम प्रमाद में नहीं जाओगे। और अभी ये शरद ऋतु ही चल रही है और हम सब लोग इस दिवाली पर जब लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं तो हम देखते हैं कि वे भी कमला सीन दिखाई जाती है, कमल के ऊपर विराजमान दिखाई जाती है। ये कमल का प्रतीक सभी धर्मों ने दिया, क्योंकि इस कमल की विशेषता ही इतनी प्यारी है कि वो कीचड़ में, जल जो कीचड़ युक्त होता है, उस गंदगी के बीच में ही उत्पन्न होता है। क्योंकि ये प्रतीक इसलिए है क्योंकि लोग कहते हैं कि हम मुक्त तो हो जाए, लेकिन क्या करें, हमारा परिस्थिति, हमारा वातावरण ही ऐसा है। अरे हम संसार में जीते हैं, हम मुक्त हो ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, मुक्त तो संसार में ही हुआ जाएगा, पहले से ही संसार छूट जाएगा तो फिर मुक्त किससे होना, मुक्ति तो बंधनों से ही होगी ना। तो कीचड़ में ही जीना है, कीचड़ में ही रहना है, लेकिन इसके बावजूद कीचड़ से ऊपर उठ जाना है, कीचड़ को अपने भीतर नहीं लगने देना है, उससे निर्लिप्त, उससे अछूता रहना है। ये आसक्ति ना रहे, ये स्नेह ना रहे, ये सीख दे रहा है कि से सब स्नेह वर्जिए, सभी प्रकार के स्नेह का वर्जन कर दो, स्नेह का ही छेदन कर दो, कोई स्नेह नहीं चाहिए, क्योंकि यही स्नेह है जो हमें प्रमाद में ले जाता है। और हम सबको तो स्नेह बड़ा प्यारा लगता है। प्रश्न उठता है कि स्नेह किसे बुरा लगेगा, ये तो ऐसी चीज है जो अच्छी लगने वाली चीज है, इसके लिए क्यों मना किया जा रहा है। यही तो बात है, हम सब लोग ये तो समझ जाएंगे कि भाई किसी जीव को दुख मत दो, किसी से नफरत मत करो, घृणा मत करो, हिंसा मत फैलाओ, ये सब छोड़ना तो आसान है, द्वेष की बात करना आसान है। द्वेष एकदम डायरेक्ट नहीं आता, द्वेष के लिए पहले नहीं कहा, इसीलिए हम वीतराग परमात्मा को भी क्या कहते हैं, वीतराग, जिनके भीतर से राग निकल गया। द्वेष की बात नहीं की, क्योंकि द्वेष तो उसका बाय प्रोडक्ट है। प्रारंभिक बिंदु क्या है, मेन प्राइमरी क्या है, राग। ये राग सबको प्रिय लगता है, स्नेह में बंध जाना, हर व्यक्ति प्रेम पाश में बंधना चाहता है, लगता है कोई तो मेरा अपना हो। ये अपना, ये ममता, ये स्नेह, यही वह पाश है जो हमें जकड़ लेते हैं, हमें बंधन में बांध लेते हैं, हम प्रमाद में आ जाते हैं। इसीलिए साधक को ये बार बार टकोर दी जा रही है कि सब प्रकार के स्नेह का वर्जन कर दो, क्योंकि ये स्नेह, ये जो मोह है, यही रूट कॉज है इस भव भ्रमण का। मोहनीय कर्म, इसीलिए तो सभी कर्मों का राजा कहा जाता है, मोह है। तो इस स्नेह, इस मोह की वजह से, इस राग पाश में बंधे होने की वजह से, ये राग जो अच्छा लगता है, सब लोगों को अपना बनाना चाहता है जीव, इसी वजह से जीव बार बार संसार में आता है। मोह की वजह से आयु कर्म बनता है और आयु के साथ साथ में फिर बाकी के शेष कर्म भी आ जाते हैं। तो यह संसार, ये कर्म चक्र सब किस लिए है, मोह की वजह से। रूट कॉज है ये स्नेह, ये मोह, इसको छेदन कर दो, यानी ये जो लता है स्नेह की, इसको जड़ मूल से ही उखाड़ दो, इसका छेदन ही कर दो, पूरी तरह से इसको समाप्त कर दो। ये बहुत ही प्यारा सूत्र, बहुत ही गहरी सीख हमें, हम सभी साधकों के लिए इस उत्तराध्यन सूत्र के 10वें अध्ययन में दी गई है। और फिर इसके आगे और भी कई प्रकार की स्थितियां दिखाई गई है कि कई जीव इन सारी बातों को समझ करके प्रव्रजित हो जाते हैं, अणगार तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में भी प्रमाद किसी भी पल हम पर हावी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार साधक अप्रमत्त अवस्था में आया तो फिर वो हमेशा अप्रमत्त ही रहेगा, नहीं, पल पल सजगता रखनी जरूरत है, हर पल हमको अवेयर रहना होगा। ऐसा नहीं कि एक बार बस आ गई बेहोशी, टूट गई, एक बार समझ आ गई तो वो समझ हमेशा परमानेंट रहेगी, नहीं, वो रेत के कण की तरह है, फिर फिसल फिसल जाए। इसीलिए पल पल, समय मात्र के लिए भी प्रमाद में नहीं जाना है, पल पल सजगता रखनी अति आवश्यक है। तो इसीलिए बताया कि कई साधक ऐसे हैं जो अनगार हो जाने के बाद में भी कई अपने संघ संप्रदाय बढ़े, हमारे मत वाले लोग बढ़े, हमारे फॉलोअर्स ज्यादा बने, हमारे अनुयायी लोग हों, हमारा सारा समूह बढ़े, हमारा संघ, हमारा संप्रदाय, इस तरह की वृद्धि में फंस जाते हैं, उनमें मूर्छित हो जाते हैं। अब बाकी लोगों से तो राग भाव छोड़ दिया, सांसारिकता से तो दूर हुए, लेकिन ये सांसारिकता यहाँ पर फिर से एक नई बना ली, मेरा धर्म, मेरा संप्रदाय, मेरा मत, तो ये सारी चीजें भी हमें प्रमाद में ले जाएगी। ये सब भी प्रमाद ही है, ले क्या जाएगी, यही इटसेल्फ प्रमाद है। तो यहाँ पर भी अवेयर होने के लिए कहा कि पुनः जिसको तुमने छोड़ा है, अप्रमत्त हुए हो, प्रमाद को छोड़ा है, उसकी वापस
दोबारा से गवेषणा मत कर लो। मातम बीयम गवेषय समयम गोयम मापमाय, प्रमाद में मत जाओ, क्षण भर के लिए भी इस बेभानी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। और फिर इसके आगे इस उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन की आती है सबसे महत्वपूर्ण गाथा, जो कि बहुत ही प्यारी है, हम सबको बहुत ही अद्भुत लगती है, जो कहती है तिन्नो हुसि अन्नवम महम किम पुण चिट्ठसि तीरमागो अभितुर पारं गमित्ते समयम गोयम मापमाय। अच्छा, हम सबको क्या लगता है कि यह अध्ययन भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को संबोधित करते हुए कहा है, लेकिन जब हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमें पता है कि गंधर्व गौतम स्वामी को तो प्रभु महावीर ने जब उनका निर्वाण समय नजदीक आ रहा था उस समय में देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए अपने पास से दूर भेज दिया था, तो उस समय में उनकी देशना में गंधर्व गौतम स्वामी सदेह तो विराजमान थे ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद यह अध्ययन ऐसे ही बनाया गया है, इसी शैली में लिखा गया है कि गौतम को जैसे भगवान संबोधित करके कह रहे हो, तो यहाँ पर ये हमें समझना होगा कि सूत्रकार की अपनी एक स्टाइल होती है और उस समय में ये स्टाइल प्रचलित थी, यही शैली होती थी। जैसे हम देखें जो शिव पुराण इत्यादि होती है वहां पर भी ऐसे ही प्रारंभ किया जाता है कि शिव जी ने पार्वती जी से इस प्रकार कहा। अब वो जरूरी नहीं उन्होंने कहा, लिखने लिख रहा है, लेकिन वो अपनी बात को इस तरह से स्टार्ट करता है, इस तरह से बताता है। तो ठीक यही हुआ कि भगवान के निर्वाण के लगभग 980 यानी हजार वर्षों के पश्चात जब इन सूत्रों को गुथा गया, समायोजित किया गया, संकलित किया गया, लिपिबद्ध किया गया, तो समय में सूत्रकार ने इस शैली में उनको निबद्ध कर दिया कि मानो गौतम स्वामी से ही भगवान कह रहे हो। और अगर ऐसा भी कहें तो यह बात भी बिल्कुल फिट बैठती है, और अगर गौतम स्वामी ना हो तो हम समझे कि वो सिर्फ बात गौतम स्वामी के लिए ही नहीं है, वो बात हम सभी आत्माओं के लिए है कि हमें भी प्रमाद में नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंधर्व गौतम स्वामी को ही प्रमाद में नहीं जाना, हम सभी साधक जो मुक्ति के अभिलाषी हैं उन सबको एक ही रास्ता है, जागृति, होश, अप्रमत्त अवस्था। तो अप्रमाद का ज्ञान देना ये हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, ये टकोर हमें बार बार मिलने जरूरी है, तो ये ज्ञान हम सभी साधकों के लिए है। और अब हम आते हैं पुनः इस गाथा पर, जो गाथा कहती है कि तिन्नो हुसि अन्नवम महम, यानी तुम महान अर्णव को प्राप्त तैर चुके हो। अर्णव कहते हैं समुद्र को। तो हे जीव, हे भव्य जीव, तुम विशाल समुद्र को तैर कर आ चुके हो, किनारे तक नजदीक आ चुके हो। तिन्नो हुसि अन्नवम महम किम पुण चिट्ठसि तीर मागो, अब इतना बड़ा समुद्र तैर कर आ गए हो, अब किनारे पर आकर के क्यों रुक गए हो, किनारे पर आकर के क्यों बैठ गए हो, अभी तो पारम गमित, शीघ्रता से पार हो जाओ, शीघ्रता से इस संसार के समुद्र को पार पा जाओ, यानी मुक्ति को प्राप्त हो जाओ, मुक्ति को उपलब्ध हो जाओ, इस संसार के समुद्र को, जो इतना बड़ा भव संसार है जिसको अभी हमने सुना, वो सब अवस्थाएं पार करके अब हम मनुष्य भव तक आ गए हैं। एक अपेक्षा से इसका अर्थ ले, किनारा क्या है, ये मनुष्य भव ही तो किनारा है, यही तो वह घाट है जहां से हम पुरुषार्थ करके अपने आप को इस प्रमाद से जगा करके मुक्त कर सकते हैं, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएं, यही वह प्लेटफॉर्म है, मनुष्य भव है। और फिर इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि यह जो वितराग वाणी हमें आज सुनने को मिल रही है, यह ज्ञान, यह देशना हम सभी को प्राप्त हो रही है, इसका मतलब ही यह है कि हम इतने सारे पड़ाव पार कर चुके हैं, यानी हम विशाल समुद्र को पार कर चुके हैं, तैर कर हम आ गए हैं, इतना बड़ा समुद्र तैर लिया तो अब इस किनारे पर आकर के क्यों रुक गए, ये तो लास्ट स्टेप है, ये लास्ट अंतिम फायदा है, यहां पर आकर के रुकना नहीं है, शीघ्रता करो और उस पार पहुंच जाओ, यानी संसार से उस पार मुक्ति की ओर पहुंच जाओ, किनारे पर आकर के अटक मत जाना। लेकिन समस्या यही होती है, जीवन का एक बहुत ही बड़ा सत्य यही है कि इंसान के कदम वहीं पर लड़खड़ाते हैं जहां पर मंजिल निकट होती है, मंजिल के पास तक पहुंचते पहुंचते राही के कदम भटकने लग जाते हैं, लड़खड़ाने लग जाते हैं, और किश्तियां वही डूबती है जहां साहिल नजदीक होते हैं, जहां किनारा निकट होता है वहीं पर आकर के
किश्तियां डूब जाती हैं, वहीं पर आकर के नाव डगमगाने लग जाती है। हम देखते हैं ना, सबका अनुभव है, जब भी हम किसी पहाड़ की यात्रा कर रहे होते हैं बहुत उत्साह के साथ हम वो पूरी यात्रा कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो चोटी, वो मंदिर का शिखर दिखाई देने लगता है, शिखर के करीब पहुंचते पहुंचते इंसान की हिम्मत जवाब देने लगती है, उत्साह पस्त होने लगता है। अब वो उसे लगता है कि अब मैं एक कदम भी आगे नहीं चल पाऊंगा, लेकिन वही वह पॉइंट होता है, वही वह बिंदु होता है जहां पर साधक को अप्रमादित रहने के लिए कहना बहुत जरूरी है। उस समय में गुरु अगर उसको ये निर्देश दे, ये सजगता दे, ये सावधानी दे कि अब रुकना नहीं है, अब प्रमाद में नहीं जाना है, अब ये बेहोशी जो तेरे ऊपर छाने लगी है, बस इस प्रमाद से बच जाओ तो सीधा पार लग जाओगे। ये बहुत ही जीवन का विचित्र लेकिन सत्य है, सत्य तथ्य है कि किश्तियां वहीं पर डूबने लगती है और इंसान वहीं पर हारने लगता है जहां पर गौरी शंकर की चोटी बिल्कुल निकट आ रही होती है। और यह बात सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर की दुनिया की बात चल रही है यहाँ पर, कि जब साधक की साधना यात्रा जब भीतर में चल रही होती है तो वो इतना सारा साधनाएं करके काफी उच्च स्टेज तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद में भी एक ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर उसे लगता है अब और नहीं चला जाएगा। फिर बहुत सारी उपसर्ग या बहुत सारी कहें वो ऐसी अवस्थाएं आ जाती है जहां पर प्रमाद हावी होने लगता है। हम सब लोग जानते हैं कि जब प्रभु महावीर का निर्वाण हो गया, गंधर्व गौतम स्वामी वहां नहीं थे, वे पुनः जब लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने सुना कि भगवान का तो निर्वाण हो गया, भगवान तो मुक्ति को सिधार गए, अब वो अशरीरी हो गए, देह से मुक्त हो गए। और यह बात सुनते ही गौतम स्वामी जी को धक्का लगा, बहुत दुख हुआ कि भगवान ने अंतिम समय में मुझे अपने से दूर क्यों कर दिया, जीवन भर में उनके समीप रहा लेकिन इस लास्ट समय में उन्होंने मुझे अपने आप से अलग क्यों कर दिया। वे बहुत रोए, बहुत विलाप करने लगे, बहुत शोक में चले गए। ये विलाप करना, ये शोक में जाना, ये धक्का लगना क्या शो करता है कि वे भगवान के प्रति राग से बंधे थे, स्नेह राग, वो स्नेह की डोर बंधी थी मेरे भगवान। तो सारे संसारिकता के मोह से वे निवृत्त हो गए थे, बाकी कहीं उनका कोई मोह नहीं था। यह है साधक की साधना यात्रा। अप्रमत्त थे, इतने विशिष्ट लब्धि संपन्न थे, चार ज्ञान से युक्त थे, लेकिन फिर भी वो अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वो स्नेह पाश में बंधे थे, वो मोह, वो प्रमाद अभी हावी था, मेरे गुरु के रूप में ही सही, मेरे भगवान। तो ये जो मेरापन था, आसक्ति थी भगवान के चरणों में ही सही, लेकिन उसी आसक्ति की वजह से वे विलाप को प्राप्त हुए, लेकिन फिर तुरंत ही संभले। हम देखें, तुरंत संभले, अपने भावधारा को चेंज किया कि अरे वे तो वितरागी थे, मैं उन वितराग प्रभु से कैसा राग लगा बैठा, उनसे क्या मोह कर रहा हूं, उनसे क्यों एक्सपेक्टेशन है मेरी कि मुझे इस समय में क्यों दूर भेजा, मुझे अपने पास रखना था, ये जरा सी शिकायत भी क्यों, ये अपेक्षा क्यों। अपेक्षाएं, शिकायतें, दुख, विलाप, ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हम उस समय वर्तमान में नहीं होते हैं, अप्रमत्त नहीं होते। यही प्रमाद है, ये बहुत गहरा वाला प्रमाद है, सूक्ष्म प्रमाद है। तो गौतम स्वामी जी को वापस चेता आया, जाग आई, होश आया, संभल गए और तब उन्होंने अपनी भावधारा को इतना उच्च बना लिया कहना गलत है, वो अपने आप अप्रमत्त अवस्था आते ही, सजगता आते ही उनके भीतर का वो स्नेह का जो पाश था, वो मोह का जो बंधन था, वो भी छूट गया और उनकी आत्मा कैवल्य को उपलब्ध हो गई। केवल ज्ञान, केवल दर्शन उन्हें उसी समय प्रकट हो गया। लेकिन देखें, कैवल्य उपलब्धि के एक क्षण पहले साधक की क्या अवस्था थी, प्रमाद घेर रहा था, कितनी गहरी मूर्छा थी मेरे गुरु के प्रति, गुरु से भी शिकायत उत्पन्न होने लगी थी। तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था को, जो गौतम स्वामी जी की जो अवस्था है, इसको अगर हम किसी कवि के शब्दों में कहें तो उनकी कुछ कविता की चार पंक्तियां हैं, हिमगिरी लांग चला आया मैं, लघु कंकर अवरोध बन गया। यानी आप हिमगिरी को लांग कर चले आए, बड़े बड़े पहाड़ आपने लांग लिए, लेकिन लघु कंकर, छोटा सा कंकर अब आपके आगे की यात्रा में अवरोध बन रहा है, बाधक बन रहा है। और हिमगिरी लांग चला आया मैं, लघु कंकर अवरोध बन गया, जलनिधि तैर चला आया मैं, उथला तट अवरोध बन गया। पूरी जलनिधि तैर कर चले आए लेकिन उथला तट
क्यों मेरे लिए अवरोध बन गया। बस ये समझ जब साधक को आ जाती है तो वो समयम गोयम माप माये, समय मात्र के लिए भी प्रमाद में नहीं जाएगा, और प्रमाद में नहीं जाएगा तो गणधर गौतम स्वामी जी की तरह अपने भीतर की आत्म जाग को बढ़ा करके कैवल्य को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हम सभी लोग कार्तिक कृष्णा अमावस्या को प्रभु महावीर का निर्वाण कल्याणक मनाते हैं, और उसकी उत्तर रात्रि में हम गौतम स्वामी जी का ध्यान करते हैं, क्योंकि उनके गुण, उनके कैसे अद्भुत गुण थे कि इस तरह का उनका पूरा जीवन रहा, समर्पण भाव, परम विनय का भाव, जिज्ञासा का भाव, अद्भुत गुण थे उनके भीतर। और उस समय में उनको कैवल्य की उपलब्धि हुई, इसीलिए दीपावली के नेक्स्ट डे को जो प्रथमा आती है, शुक्ल पक्ष की जो पहली जो प्रतिपदा आती है, प्रथमा हम जिसको कहते हैं, वो प्रतिपदा हमारे यहाँ पर गौतम प्रतिपदा के नाम से विख्यात है, क्योंकि उस समय गौतम स्वामी जी को जैसे जैसे भोर होने लगा था वैसे वैसे आत्मा का सूर्य भी प्रकाशित हो उठा। वो जो अंधकार था गोतम, वो जो तम था अंधकार था, वो अंधकार मोह का पूरी तरह से विच्छिन्न हो गया, स्नेह का छेदन हो गया, वो छिंद स्नेह अपणो, और तब कैवल्य का सूर्य प्रकाशित हो गया। हम सब की आत्मा में भी वही कैवल्य का सूर्य प्रकट हो, बस एक ही सावधानी है कि प्रमाद नहीं करना है। तो इस दसवीं अध्ययन की अंतिम गाथा कहती है कि भगवान की वाणी को सुन करके, जो कि पूरी तरह से सुकथित है, अच्छी तरह से बताई गई है, अब ये सब वाणी बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियरली हमें पाथ मिल रहा है, हमें रास्ता मिल रहा है एक साधक को जो मुक्ति का अभिलाषी है, जो जिज्ञासु है, उसके लिए पूरा रास्ता बता रहे हैं भगवान की वाणी, हमें पूरा रास्ता बताती है, बस अब उसका शोधन हमें करना है। सो कही मठ पो बसो ही, अब उसको हमें अपनी आत्मा में शोधन करना है, यानी हमें अब अपनी आत्मा की सफाई करनी है, जो प्रमाद जो हमारे भीतर छाया हुआ है, जो बेहोशी हम पर छाई हुई है, उसको हमें दूर हटाना है। और रागम दोसम च छिंदिया सिद्धि गयम गए गोय में, अंतिम गाथा कहती है कि राग और द्वेष का छेदन करके गौतम स्वामी, भगवान गौतम स्वामी सिद्ध गति को प्राप्त हो गए, वे सिद्धि को उपलब्ध हो गए। जब यह सूत्र रचा गया, लिखा गया, तब तक तो गौतम स्वामी जी सिद्ध भी हो चुके थे। उस समय तो वे कैवल्य को उपलब्ध हुए, यानी बस आत्मक सूर्य प्रकट हो गया, उसके पश्चात देह भले ही संसार में रहे, वो बस देह का बंधन है, आयु कर्म समाप्त होगा और आत्मा सर्व कर्म बंधन मुक्त सिद्ध बुद्ध वितराग परमात्मा हो जाएगी। भगवान महावीर की आत्मा से ज्योत में ज्योत मिल गई, वो भी वहां पर ज्योत में ज्योत हो गई। अब वहां कोई भेद नहीं कि ये भगवान महावीर स्वामी की आत्मा या ये गणधर गौतम स्वामी जी की आत्मा। सिद्धि गयम गए गोय में, तो गौतम स्वामी जी सिद्धि को गत हो गए, यानी सिद्धि को उपलब्ध हो गए। हम सब भी अपनी आत्म सिद्धि को उपलब्ध हो गए, इसके लिए हमारी आत्मा की शुद्धि हो, इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों का ये जो तम हम पर छाया है, अंधकार जिसमें हम जी रहे हैं, इस अंधकार से हम जागें, सदा अप्रमत्त रहें, आत्म भावों में सजग रहें, जो कुछ भी हम करें जागृति पूर्ण होश के साथ में हमारी क्रिया हो, ऐसा हो जाए तो हम सब भी सिद्धि के निकट हैं, ऐसा ही हो। ओम शांति, जय हो, जय हो।